बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि कराची में और हैदराबाद में जो है दो रोज़ कबल बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। हम अपनी कुछ जाती मसरूफियात की वजह से बल्दियाती इलेक्शन तो कवर ना कर सके, लेकिन इस वक्त मेरे साथ शहर कायद के नामवर जाने माने पहचाने पॉलिटिकल रिपोर्टर जनाब अली रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। और अली रज़ा खाली हमारे फील्ड रिपोर्टर साथी ही नहीं है, बल्कि हमारा और इनका चोली दामन का साथ है। हमने और इन्होंने एक ही चैनल से मीडिया में काम का आगाज़ किया था। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा जो है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कवरेज की है और इलेक्शन में क्या हुआ कैसे हुआ हर चीज़ पे जो है इनकी एक गहरी नज़र है। तो मुझे कुछ तशनगी महसूस हो रही थी कि मैं अपने व्यूवर्स को जो है कराची के बल्दियाती इलेक्शन के बारे में कुछ ना बता सकी, तो मैंने कहा आज मैं अली रज़ा से आप लोगों को सारा कुछ इंफॉर्मेशन दूँ कि कराची में हुआ क्या है। अली रज़ा, बल्दियाती इलेक्शन हुए तो ना वो गहमा गहमी थी जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, बिलखसूस पिछले कुछ अदवार में, तो कराची में जो इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन हुए क्या हुआ? देखें, बल्दियाती इलेक्शन को समझने की सबसे पहले ज़रूरत है, एक जनरल इलेक्शन होता है, उसमें जो भी उम्मीदवार होते हैं उसमें उस तरह तादाद नहीं होती। बल्दियाती जब इलेक्शन होते हैं उसमें तादाद बहुत होती है, तो कैंपेन्स भी उसी लेवल पर चल रही होती हैं, मुहिम भी बहुत तेज़ होती हैं, गली गली में जाके मुहिम हो रही होती है, क्योंकि एक उम्मीदवार गली और मोहल्ले के अंदर अपने आप को लड़ रहा होता है, उसको लड़ना होता है, और उस तरह फिर उसी के साथ दीगर सियासी जमातें, तो आप समझें पहले कि मुहिम किस लेवल की चलती होगी। और फिर इसी तरह एक्सपेक्टेशंस भी बल्दियाती इलेक्शन में वोटर्स की ज़्यादा होती है हमेशा से, ये बात समझ में आ गई। मगर आज यानी कि जो आज ये इलेक्शन हुआ है बल्दियाती, जो दो रोज़ कबल हुआ है, उसमें टर्न आउट नहीं था। वो टर्न आउट कागज़ के मुताबिक बहुत सी जगहों पर 10%, 15%, और अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूं तो 20%। अब सवाल पहले ये पैदा होता है कि कोई भी मेयर बने वो 20% की तर्जुमानी, मतलब 20% के तबके का उम्मीदवार होगा, बाकी 80% ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये एक सबसे पहले इस इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आ जाएँ दूसरी तरफ कि इलेक्शन ये शहर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले हो गया है, और अब आप उनको बुरा बोलें, आपको अच्छा लगें वो या नहीं, मगर ये तयशुदा बात है कि इस शहर में अब हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जिस तरह वो पूरे सिंध का सूबा का जो बजट है उसका इस्तेमाल करती हैं, उनके पास होता है, उनके पास अख्तियार है, वो चाहेंगे कहाँ का लगाना है, इसी तरह अब लोकल गवर्नमेंट का जो भी बजट होगा वो भी हमें अब उन्हीं की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 93 नंबर्स उन्होंने गेन किए हैं, जबकि जमात इस्लामी का दूसरा नंबर है। वो अलग बात है कि आज जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है, मगर इस पूरे मरहले में एमकिम का जो बाइकआउट है वो बड़ा सवाल उठा रहा है, वो बहुत सारे मामला मानी खेज है, मायने खेज कह लें, क्योंकि आज भी वसीम अख्तर साहब जो कि डिप्टी कन्वीनर है एमकिम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि भाई हमने जो हल्का बंदियों पर एतराज़ उठाया था उस वक्त सियासी जमातों को हमारा साथ देना चाहिए था, नहीं दिया, सारी बातें ठीक है, उन्होंने फिर बायकॉट किया और बायकॉट के बाद नतीजा आप सबके सामने है। अब इसमें कुछ बातें हैं, अब आम आदमी ये सोच रहा है कि भाई अगर इतनी बुरी है जमानती वफाकी हुकूमत थी तो छोड़ दें आप वजारतें, आपके पास अगर IT है छोड़ दें, आपके पास अगर KPT है छोड़ दें, फैसल भाई हट जाए, वो नहीं छोड़ी, बोल चुके हैं जमहूरियत की बका के लिए बड़े मकसद के लिए हम वफाक का साथ नहीं छोड़ेंगे, चैलेंज ही नहीं छोड़ रहे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत आपकी मान भी नहीं रही, आपको उस तरह स्पेस भी नहीं दिया, आप बायकॉट पे जाने पे मजबूर हो गए, फिर वो ऐसी क्या उस दिन रात बैठक में ऐसी क्या बातें हुई हैं कि आपने ना वफाक छोड़ी जो आपके जमानती थे, ऐसा आपसे क्या बातें हुई हैं, ऐसी आपको कौन सी यकीन दहानी मुस्तकबिल में दिखाई हैं कि आप उस पर आज वफाकी हुकूमत ना छोड़ने की बात पे राज़ी हो गए हैं, जो कल तक आप बोल रहे थे कि हम एहतजाज भी करेंगे, और वफाकी ये हमारे दोस्तों से खबरें चलवाई हैं ना कि भाई हम वफाकी हुकूमत से अलग होने का कल तक परसों तक यही मामला था इलेक्शन से पहले, मगर अब ये हो गया। मगर सवाल फिर एक सवाल इसके अंदर जन्म लेता है कि जब आप ही कुछ कहते हैं कि हमारे मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा,
जब आज की तारीख में आपके माहिदों पर अमल दरामद नहीं होता दिखाई दे रहा, तो कल आपने कैसे यकीन कर लिया है कोई भी डील हुई है या कोई भी मामला हुआ तो कल उन बातों पर हो जाएगा? अब आप आ जाएं कि क्या सूरत है। मैं आपकी बात रोक के कहूँगी कि एक छोटी सी लाइन कि पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ हाथ कर दिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है ना, आप कुछ भी बोलती रहें, आप लोग उनके बारे में कुछ भी बोलते रहें, मगर आप एक बात ज़रूर मानेंगे और तस्लीम करनी वाली है कि वो आइन को, आइनी जंग को बेहतर अंदाज में लड़ना जानती है। वो ऐसी बारीक बीनी से काम करती है कि वो आपको पहले समझने में टाइम लगता है। चले MQM तो फिर समझ गई, दीगर सियासी जमातें तो अभी तक नहीं समझी, और उनके साथ जो होने जा रहा है वो आइंदा मुस्तकबिल में नज़र आ जाएगा। अली, आपकी एक बात कहूँ कि मैं जरदारी साहब के इस जुमले को, जो अभी हाल ही में उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि सियासत की यूनिवर्सिटियाँ जो है ना, वो हम पीपल्स पार्टी के पास हैं, और वाकई एक जरदारी नाजरीन सब पे भारी, जो अकल जो समझ सियासत की सूझबूझ जरदारी साहब को पता है ना, वो किसी सियासतदान के पास नहीं है। ख़त्म है सारी सियासत जरदारी साहब के ऊपर। अच्छा, फिर बात, नो डाउट उनके पास इख्तदार भी है, ताकत भी है, इख्तियार भी हैं, लोग भी हैं। देखिए, पैसा सारी चीज़ें होने के बावजूद बेहतर अंदाज में काम करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी की से मनवाना, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट से भी अपने आप को मनवाना, दीगर सियासी जमातों से भी मनवाना, और ये बता देना कि सिंध के अंदर आपको कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा, तो इसको आप कह सकते हैं ना कि उन्होंने अच्छी सियासत की एज़ कम्पेयर टू अदर सियासी जमातें ना। अब मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं ना, अब मामला ये है कि अदालत में जाने का। आज MQM ने फैसला किया है कि हम अदालतों में जाएंगे। हमने सवाल किया आज, हमने, मैंने ही सवाल किया, मैंने कहा देखें वसीम भाई, बात यह है कि आप लोग पहले इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने नहीं सुनी, अदालतें गए, उन्होंने नहीं सुनी, अब आप दोबारा अदालतों में आ रहे हैं, वो नहीं सुने या नहीं सुने, जो शिकायतें यही करते हैं, हम नहीं बोल रहे नहीं सुनी, मगर बात यह कि कल तक आपका, आप बतौर मेयर रो रहे थे, आज हमें नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में कि पूरी MQM रोती दिखाई देगी। मगर रोने से मसाइल हल नहीं होंगे ना शहरियों के। अगर आप दावा करते हैं कि आप इस पूरी मासिस के नुमाइंदे हैं, कराची के दावेदार हैं, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में खामियां तो हैं। अब उसकी कोई भी वजूहत हों, मगर आपकी पॉलिटिक्स में खामियां हैं कि आप अपनी बात नहीं मनवा पा रहे। आप कोशिश तो कर रहे हैं मगर उसके नतज आम आदमी को नहीं मिल रहे। फिर माजी में जो जो गलतियाँ हुई, ये इतनी देर से आज 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 फैसला हुआ है ना, साथ बैठ जाते हैं कि पहले भी तो हो सकता था, नहीं हुआ। बहुत सारे मामले आते हैं अभी करीब अनकरीब, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जो सियासत का मंजरनामा तब्दील हो जाएंगी। देखें, हर 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 वक्त में, हर दौर में एक ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशंस होना होता है, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जब सिंध मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी के पास चला गया है तो एक ऑपरेशन होगा। कुछ इतलात भी हैं, अभी उस पर कभी इम्कान नहीं, मगर हमें मुस्तकबिल करीब में एक ऑपरेशन नज़र आ रहा है। ये अभी पहली बात मैं करने जा रहा हूँ, एक बड़ा ऑपरेशन होगा जो मंशियात की ऊपर होगा, लैंड ग्रैबिंग के ऊपर होगा। अब जो इसके सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, वो यकीनी तौर पे इसके अंदर हमें फंसते दिखाई देंगे या एंगेज होते नज़र आएंगे, और बड़े बड़े नामों के खिलाफ ये ऑपरेशन बड़ा इम्कान है कि वो। अली रज़ा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप मुस्तकबिल में एक ऑपरेशन देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऑपरेशन के कोई मुस्बत नतायज होंगे, और ऑपरेशन होगा तो वाकई उन्हीं के ख़िलाफ़ होगा जिस तरह से आप बोल रहे हैं लैंड ग्रेवर्स हैं और मंशात फरोश है? तो क्योंकि माजी में भी हमने एक ऑपरेशन देखा था जिसके हमें आज तक कोई असरात नज़र नहीं आए। देखें, मैं एक बात ये जानता हूँ कि देखें, कराची में एक ऑपरेशन हुआ, अगर हम उसकी बात करें, हम इसी शहर में पैदा हुए, इसी शहर में हम जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, इसी शहर में तालीम भी हासिल की है। देखें, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो मेहनत की है उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ तो आज भी हो रहा है। अच्छा। आज भी आपसे मोबाइल छीन के जो है गोली मार के जाते हैं, भाई मोबाइल ले जाओ। मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखें, आज वो सियासी जो किलिंग थी, सियासी पॉलिटिकल टारगेट किलिंग है, वो रुकी। उससे देखें, आपका एक बहुत तबका बड़ा, आपके बच्चे जो है, जो भी कराची हाइट हैं, वो रुकें, वो जो क्रिमिनल बन सकते हैं जो उस तरफ, वो रुक गए, जो थे वो कहीं ना कहीं जेलों में चले गए, समझिएगा बात को, और कुछ जो थे वो फरार हो गए। मगर अब आज हम एक और मुश्किल में खड़े हैं ना, आज वो सियासी किलिंग नहीं हो रही तो आज गली मोहल्लों में स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल इंसाफ इस शहर को बेहतर कर सकता है, और इसमें इस शहर के साथ इंसाफ होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसको कतई नहीं लिया करेंगे यार, हम कराची की बात करें, हम कराची नहीं,
इस अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो आपको इस शहर के साथ इंसाफ बरतना पड़ेगा, अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो इस शहर में मुकामी पुलिस देनी पड़ेगी इस शहर के साथ, और आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो आपको उसको मुकम्मल थानों में नफरी देनी पड़ेगी, अगर आप इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, आपको आई डी का निज़ाम देना पड़ेगा। आज कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, हम आज भी पूछते हैं आईजी साहब कि खुदा रा, ये मैंने बहुत सवाल किया है बड़े, जब इसका कोई तसव्वुर नहीं था तो मैं चीखता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि खुदा रा ये सेफ सिटी जो इस्लामाबाद में लग सकता है इस शहर में भी लग सकता है, ये शहर पाकिस्तान को पाल रहा है तो उसके साथ निज़ाम करे, इधर ताजर बिरादरी लुटे तो उसका मुलजिम उसको पता हो कहाँ पर है, और उसकी गिरफ्तारी पुलिस को तब यकीनी बनेगी जब आईटी का सिस्टम, आप आज भी मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के बड़े बड़े अफसरान से आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रहा हूँ और दूसरी जगह से भी कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उठाएं, आईटी के स्टूडेंट्स उठाएं, उनके उन ब्रेन से फ़ायदा लें, ऐसे ऐसे ऐप्स बन रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही हैं। नजम देखो, हम तो जाती उन टीचर्स को भी जानते हैं, अगर हमसे रब्ता करेंगे हम आपको उन बच्चों के पास लेके जाएंगे, एक बच्चा एक प्रोफेसर है उसने उससे मेरी बात हो रही थी बहरिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा साहब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया एटीएम के बाहर, जहाँ भी असला निकलेगा ब्लिंक करके आपके कनेक्शन जहाँ पे रोको उसको पता चल जाएगा। इस तरह बेतहाशा ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं आईटी के जो काम कर रहे हैं, आप उनसे खुदा के लिए फ़ायदा लें, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि जिस दिन आपने इस शहर को तस्लीम कर लिया मुकम्मल तौर पर बेहतर अंदाज में इसको चलाने का ठान लिया, उस दिन पाकिस्तान तरक्की करता दिखेगा, आपको वर्ल्ड बैंक के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक एक ऐसा सेंटर बना दें, एक मार्क ज़करबर्ग का एम ऐसा पैदा कर दें कि इस शहर में इतनी यूनिवर्सिटीज़ है ना, क्यों हम मार्क ज़करबर्ग पैदा नहीं कर पा रहे, क्यों फेसबुक का अल्टरनेटिव कोई कराची से नहीं पैदा हो रहा। देखो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, हमें इक्तदार में बैठने लोग वालों को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई भी गली मोहल्ले की बात छुपी नहीं रहती, आज एमक्यूएम के साथ क्या हो रहा है आप उसके एक एक सबक है ना बहुत बड़ा कि देंगे ना, एक सियासी जमात, पढ़े लिखों की सियासी जमात, पढ़े लिखे तबके से तबका मिडिल क्लास, आज उसने अपना हाल क्या कर लिया है, मतलब आपकी पॉलिसीज़ बताती हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। आज पाकिस्तान को अगर बेहतर पॉलिसीज़ पे लेकर जाया गया और इस शहर के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी गई तो ये पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। अगर आपने हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इस शहर पर अपने मनपसंद तरीके से पॉलिसी नाफिज करना शुरू की तो यकीनी तौर पर इसका सिर्फ इस शहर को नुकसान नहीं होगा, इस शहर का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, आज आप हालत देख ले, बस्तियों की बस्तियों पे कब्ज़े हो रहे हैं, वो कब्ज़े पक्के हो रहे हैं, उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ के लोग भी परेशान हैं, वहाँ पर पानी बिजली के मसाइल हैं, यहाँ बड़ी बड़ी लोगों के इन्वेस्टमेंट डूब रहे हैं। देखिए परसेप्शन से आधे से ज़्यादा काम होते हैं नजम ज़हरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी सिर्फ परसेप्शन अच्छी हो इस शहर की, आप देखें फिर तजारत कैसे होती है। आप परसेप्शन तो पहले बेहतर बनाएं, आपका परसेप्शन ही इधर ये है कि शहर में आते हुए लोग डरते हैं, तो बॉस वो क्यों डर रहे हैं? अगर आज एडिशनल आईजी कराची ये बात करते हैं कि जी वो खुद हिफाजत करें शहरी, तो देखें कितनी अफसोस की बात है कि इतनी अहम पोजीशन, आप किस बात के लिए 18-19 ग्रेड एंजॉय कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि असला दिखा के आपसे कोई मोबाइल मांगे तो आप दे दो, आप मतलब आप खुद प्लेट में रख के दे दो, जिद बहस नहीं करो, ये आप फिर किस बात की तनख्वाह ले रहे हो, आप जाके घर बैठो या चूड़ियाँ पहन लो। नहीं देखें बहुत सारे मामले आते हैं, हम समझते हैं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, मगर फिर भी उनको ये बात इस तरह नहीं कहनी चाहिए थी कि बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हुई है, क्योंकि जिनके घर से बच्चे गए वो कोई शौक से मरना थोड़ी चाह रहा था, कोई भाग रथ को गोली मार दी, कोई मुलजम नशे कर आ रहा है, मंशियात कैसे बिक रही है, व्हाट्सएप ऑनलाइन हो गई, आपने अड्डे मन करा है, आपका दावा है मान लेते हैं आपने दवा के, मगर बात यह है कि सोल्यूशन तो अभी भी नहीं निकला, वही मंशियात उससे ज़्यादा तादाद में मकदार में आज भी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल तक पहुँच गई है, तो सोल्यूशन पर तो काम नहीं हो रहा ना। अब हम आते हैं बल्दियाती इलेक्शन में, देखें मैं वादे तौर पर ये बात आज भी कह रहा हूँ कि इस शहर के साथ आपको इंसाफ करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी ही इंसाफ कर सकती है, पीपल्स पार्टी ही चाहेगी, और मैं पीपल्स पार्टी के आला लोगों से कहता हूँ, अब शहरी परेशान हो गए हैं, अब आप सियासत से बढ़कर अब आपको करना पड़ेगा और इसका खुदा भी सिला देगा, आपको इसकी दुआएं लगेंगी अगर आपने छोटा है, सियासत से बढ़कर अब काम करना पड़ेगा। देखें पीपल्स पार्टी ने इख्तियार है उनके पास, सिंध हुकूमत उनकी है, ना ये PTI काम कर सकती है, ना जमात इस्लामी काम रोल प्ले कर सकती है, ना MQM कर सकती है। बात ये है समझने की, मैं जब ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बात ये है कि देखें पीपल्स पार्टी ने बजट लेना है, एक चीज़ है ये चाय है मैंने इस ताज होटल से लेनी है, एक तीन ऑप्शन आते हैं मेरे पास, एक ताज होटल वाला खड़ा हो जाता है ये चाय मैं दूंगा आपको 2500 रुपये की, दूसरा वाला कहता है भाई मैं दूंगा आपको 2500 रुपये की, और वो कहता है
मैं लूँगा ताज से ही होटल से चाय, मगर आप मुझसे लो। तो तीसरा ऑप्शन कहता है कि यार मुझसे 2700 रुपये की मैं चाय दूंगा, समझिएगा, पहले मैं उसके बाद जाऊंगा, फिर वो ताज होटल के जाएगा, फिर मैं आपसे चाय आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं कहता हूँ यार डायरेक्ट ताज होटल वाले से ही चाय खरीद ले बंदा, क्योंकि देना तो उसने ही है। अच्छा फिर वो क्लेम भी ये करता ताज होटल, यार जब मुझसे नहीं ले रहे सही है तो मैं जैसी भी चाय दूँ, या तो तुम डायरेक्ट मेरे ग्राहक होते ना, मेरे वोटर होते मैं तुम्हें देता, अब तो मेरे वोटर भी नहीं बन रहे। अब देख लेना MQM को वोट देके लोगों ने देख लिया, नतीज नहीं मिल सके, पीपल्स पार्टी ने नहीं लेने दिए, बड़े आईनी तरीके से बहुत मारी ना। अब जमात इस्लामी कोशिश कर रही है, आप भी लड़के देख लीजिएगा। मैं फिर कहता हूँ आप अभी जाएं मलीर में, लोग कहते हैं लियारी का भी कौन सा हाल कर दिया। हाँ ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि यार अगर इतनी अच्छी हैं उनको देख के पीपल, देखें अभी मजबूरी बन गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सेंट्रल में जिस तरह के काम कर रही है दीगर जगहों पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मजबूरी आपको मजबूरन है, क्योंकि अब आप इस हवाले चला गया पीपल्स पार्टी। अब ये काम तब होंगे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं लोग इलेक्ट होंगे। अब देखते हैं वो कौन बनता है और क्या मामला होता है, मगर हॉरिबल सिचुएशन इस कराची के साथ बड़ा मुझे जुल्म होता दिखाई दे रहा है। अली बात यह है कि पीपल्स पार्टी अब अपने दिल से ये कुदूरत निकाले कि कराची वाले जो हैं वो इनके वोटर नहीं है, लेकिन देखें जी अल्लाह ताला ने आपको फिर से मौका दिया है। अब आप चाहें अगर आप बल्दियाती निज़ाम आपके पूरे हाथ में आ गया, वैसे भी आपने बल्दियाती इदारों को अपने मातहत कर लिया था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कह लें या आपकी हिकमत अमली कह लें, यह एक चांस है। आप कराची वालों के दिल जीते, फिर कराची वाले कभी भी इधर उधर नहीं भटके। कराची वाले जो है ना अपने मोहसिनों को नहीं भूलते। मौका मिल गया ना आपको, अब आपको मौका मिला है, आप उसको उसके बढ़ के दिखाएं, आपके इदारे भी हैं, आपकी चीज़ें भी, एक्सपेक्टेशन हमारी आपसे। देखें आवाम तो कहते हैं कोई भी हो, कोई भी हो जो हमारे मसाइल हल करेगा हम उसको वोट देंगे। तो पीपल्स पार्टी के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो अब कराची पे तवज्जा दे, कराची के नौजवानों के साथ जो एक ज्यादती की जा रही है कोटा सिस्टम की बिना पे, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उनको स्कूल कॉलेजों में दाखिले नहीं मिलते, बेशुमार मसाइल हैं, कराची की सड़कें खंडर हुई हुई हैं। अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची से मुस्तकिल बुनियादों पर उसको वोटर मिले, तो अब उसको कराची वालों को कराची वालों के सर पे दस्ते शफकत रखना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हम दस्ते शफकत भी ना रखें, कराची के साथ अच्छा भी ना करें, तो फिर कराची वाले तो फिर इसी तरह से अलग रहेंगे, वो कभी आपके वोटर नहीं बनेंगे। मैं आखिरी पॉइंट दूंगा, हमारे साथ जुल्म क्या है कि जो हमारी बात करता है हमें वो भी कुछ नहीं दे पा रहा, समझिएगा, जो हमारी बात नहीं करता वो तो हमें कुछ देगा ही नहीं, हम बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, अब हमारी मुश्किल आसान करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आजकल एक शहरी की वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो वो कह रहा है कि इन अपनों को नाम लेके कहा है उन्होंने MQM पाकिस्तान में एक साहब का कि इन अपनों को वोट देने से बेहतर है कि मैं रोड पे जाके ना खुदकुशी कर लूं, क्योंकि ये तो मेरे इलाके से मुंतखब हुए थे, हमारी पूरी बस्तियां उजाड़ दी, हम 80 साल से इस जगह पे रह रहे थे, हमारे घर उसका जियाउद्दीन कॉलोनी की जो बात हो रही है, मुजाहिद कॉलोनी की सॉरी। तो बिल्कुल आपने बड़ी प्यारी बात कही कि ना अपनों से कराची वालों को वफा मिल रही है और गैर तो फिर गैर है। देखिए पॉलिटिक्स है, मैं इसको समझता हूँ, पीपल्स पार्टी को अगर वोट दिया है लोगों ने या उन्होंने ले लिया है, अब अल्टीमेटली आ गए वो, क्योंकि अब आ गए हैं तो बस दरख्वास्त यही है थोड़ा सा सोच रहे हैं इस शहर के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप ही लोग कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं, अल्लाह के बाद आप ही लोग हमें लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं, जो इख्तियार और ताकत आपको दी है परवरदिगार ने, जो अब इस पिसी हुई आवाम पर थोड़ा रहम करें। हम कहेंगे ठीक है सारे मामला चल रहे हैं, कुछ जगहों पे छोड़ दें, कुछ जगहों पे यानी तालीम पे हमें थोड़ा हमारा साथ दें, सड़कों का हाल देखें वो बना दें, पानी थोड़ा सा कोशिश करें जहाँ चार जगह नहीं पहुँच रहा वहाँ पहुँच जाए। आपसे यह आवाम सिर्फ ये मांग रही है, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही, तो खुदा के लिए ये कर दें बस। बस आवामी मसाइल को देख लीजिए आप, क्योंकि आप ख़ुद को आवामी पार्टी कहते हैं। बिल्कुल देखें, और हमें उम्मीद भी है, हम देखें, आप देखें बात यह, हम लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा मोटिवेशन की तरफ आएँ, तनकीद करने से अगर मसाइल का हल निकल रहा है तो फिर जमात इस्लामी से लेते हैं मसाइल का हल, तनकीद करने से इतने अर्से से MQM तनकीद कर रही है तो मुझे बताएं नतीजा क्या निकला। कराची वालों को पीपल्स पार्टी जो भी जीत रहा है उसको गले लगाना चाहिए, और पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए भाई एक कदम ये शहर बढ़ रहा है आपकी तरफ, दूसरा कदम आप बढ़ाएँ, और ये जो भी थिंक टैंक बैठा हुआ है मेरी बातों को सेकंड करेगा कि ये भी एक जाविया है,
ये भी एक सोच है जो इस वक्त कराची के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। अभी आपका कमाल है कि आप उसको टारगेट करके या हिट करके अपनी तरफ कैसे करते हैं। और बात जो इम्पोर्टेंट है, देखें बात यह है कि MQM के हाथ से भी चीज़ें निकल गई थी, मैं ये समझता हूँ। और जो मामला गली कूचों में हो रहा था वो कुछ अपनी मंशा पे भी हो रहा था, और चीज़ें प्राइवेट लिमिटेड हो गई थी MQM बानी MQM के दौर में ही। ये मेरा मानना है और मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरी राय है। और मेरी एक और राय है वो ये कि ये शायद अभी लोग तस्लीम ना करें, मगर मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जिसकी पार्टी है उसको शफाफ करके उसको देने की तैयारी हो रही है। मुझे अच्छा ऐसा है, मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि उसकी पार्टी बिल्कुल साफ, मतलब हेलो की तैयारी है। देखें कोशिश हर दौर में होती रही हैं, अभी भी हो रही है, उस पर तेज़ी भी देखी जा रही है। और जिस तरह देखिए लोग कह रहे हैं कि ना उन पर पाबंदी है, मैं समझता हूँ माइक पर तो पाबंदी है ही नहीं, पाबंदी तो स्पीकर पर है। माइक तो चल रहा है अभी भी, बयान तो अभी भी आ रहे हैं, वो पहले TV पे कवर होते थे, अब सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहे हैं। माइक तो बंद नहीं है, स्पीकर बंद है, और स्पीकर को खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ भी हो जाता है। आप जब इंटरनेशनल मंजरनामा उठाते हैं, सियासी मंजरनामे में उठाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आप यही आपने पुराने आप चैनल उठाए, यही शेख रशीद साहब जो है आमिर मीर के प्रोग्राम में इमरान खान को क्या नहीं कह रहे थे कि मैं तुम्हें क्या ये नहीं रखूँ वो नहीं रखूँ। आज उन्हीं की हुकूमत में वज़ीर आए वही शेख रशीद, ये वसीम अख्तर साहब ने क्या, वही शेख रशीद जो कल तक इनके ख़िलाफ़ बोलते थे अभी उन्होंने भी इनके हक़ में बात की है। हामिद मीर जो पता नहीं क्या क्या कहते थे उन्होंने भी बरमला कह दिया। बस मैं ये जानता हूँ कि इस मुल्क की सियासी मंजरनामे में कुछ भी हो सकता है। जो तसव्वुर नहीं था कि बानी MQM का कराची के अंदर से एक ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, वो भी शेयर ने देखा, तो वो ख़त्म होना ज़्यादा अहमियत या हामिल था, मैं समझता हूँ वो बड़ा टास्क था, वो नामुमकिन चीज़ थी। जब वो नामुमकिन चीज़ हो सकती है तो स्पीकर खुलना तो बहुत ही मुमकिन चीज़ है, बहुत ही हलवा चीज़ है। अच्छा अली रज़ा, एक मेरा सवाल ये है कि ये जो MQM पाकिस्तान बाइकाट पे उतरी है, कहीं इसके पीछे वही रास्ता तो नहीं था, उसकी वजह उस बात के खौफ में तो नहीं बाइकाट किया गया जो कहा गया बच्चों एक चुम्मी इधर और एक चुम्मी उधर। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका अपना वोटर खुद बदजन हुआ हुआ है, वो ना सिर्फ बानी MQM, वो एक अहम वजह है, लेकिन आप उसको सियासी मंजरनामे से नहीं निकाल सकते, ये तस्लीम करना पड़ेगा। मैं आज 30 साल का हो गया हूँ, इसी शहर में पैदा हुआ, इसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रहा हूँ और बहुत करीब से चीज़ों को देखता हूँ और देखने की कोशिश भी करता हूँ। तो एक सियासी अहम शख्सियत है, उसको आप मंजरनामे से निकाल कर आप लगाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो बन जाएगा, मगर वो लगेगा कि उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशलिज्म है। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, मगर जो हकीकत है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। उधर से बायकॉट का उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि अब ऑप्शन ही नहीं बचा, अगर वो चले जाते तो शायद ज़्यादा जो है उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मौजूदा MQM जो आपके पाकिस्तान की है, ना जाके उन्होंने अपनी साख को, गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ। और ये फैसला इलेक्शन लड़ना, क्योंकि जिस तारीख को इन्होंने बायकॉट किया उस तारीख को ये मैसेज हमें सर्कुलेट हुआ था कि जब हम एक्शन लड़ना चाह रहे इलेक्शन, हमें कारकुनान के मैसेजेज आना शुरू हो गए, भाई ये तो हमें मैसेज दे दिया लड़ने का, हम कोई टेंट ढूंढ रहा है तो कोई है, और अचानक एक घंटे में फैसला आता है कि जी बायकॉट। तो कुछ ना कुछ हुआ है और कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ हो रहा है और कुछ नहीं कहते। देखें आपकी पार्टी एक हो गई, कर दिया, अब कुछ नहीं पता कि कुछ हो जाए तो शेराबता कमेटी है, अराकीन को बाहर जाने की ज़रूरत पेश आ जाए, हो सकता है। कुछ लोग कहें कि अभी हमें जाती मसूलियत के लिए जाना है, वो चले जाते हैं, अभी भी चले जाते हैं, बाद में भी चेहरे आते और जाते रहते हैं। बड़े बड़े नाम आज भी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं MQM के, वो नहीं है, कल वो आ जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। और इस शहर, इस मुल्क की सियासत में कुछ भी हो सकता है, बींग अ जर्नलिस्ट, बींग अ शहरी मैं ये समझता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान और बिलखसूस कराची की जो सियासत है इसका मंजरनामा कभी भी किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल अली रज़ा ने बहुत अच्छी बातें की और इस शहर की जो कम आएगी का एहसास है नौजवानों में और यहाँ के लोगों में बिल्कुल खुल के आपसे इजहार किया। तो बात यही है कि पीपल्स पार्टी को अगर ये चांस मिला है तो अब इसको चाहिए
कि दो कदम आगे बढ़ के कराची वालों को गले लगाए, कराची वालों के मसाइल हल करें। कराची वाले, भुट्टो साहब ने कहा था कि अर्बन सिंधी और रूरल सिंधी, तो कराची वाले भी सिंध के सिंधी हैं, शहरी सिंधी, तो आप इनको शहरी सिंधी ही समझें, ये ना समझें कि ये लोग अलग से हैं या कोई बाहर से आए हुए हैं। तो अब आप इनको गले लगाएं, ये आपको गले लगाएं, और मिलके जो है इस शहर की तरक्की खुशहाली के लिए काम करें। ये शहर तरक्की करेगा तो सुबह सिंध तरक्की करेगा, और सुबह सिंध तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान, पूरा वफाक जो है वो तरक्की करेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना, अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।